दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जतिन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और हमारे साथ प्रगति भी जुड़ रही है। ये समझने की बात है कि घटना बार बार पेश आ रही है। सबसे पहले हम जतिन के पास जा रहे हैं। जतिन, हम बता रहे हैं दर्शकों को कि बार बार जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहां ऐसे एक एक कमरे दे दिए जाते हैं, 25,000 का रेंट होता है, लाइब्रेरी सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि महीने का पैसा वसूला जा रहा है, वो बनना जरूरी है, और अधिकारी भी जांच करने नहीं पहुंच रहे। एनओसी तो दे दिया लेकिन ये कोई देखने नहीं पहुंच रहा कि उस एनओसी का अनुपालन कैसे किया जा रहा है। आज बिल्कुल देखिए, जिस एनओसी का आप जिक्र कर रहे हैं वो एनओसी भी दरअसल इसी महीने यानी कि 9 जुलाई को इशू की गई थी, और वो एनओसी ये जो मेरे पीछे आप कोचिंग सेंटर देख रहे हैं, आप देखेंगे सिंस 1953 कितना पुराना ये कोचिंग सेंटर है, और हाल ही में बताया जा रहा है कि पिछले 3 सालों में इसको रेनोवेट किया गया, और आप ये कांच देख रहे हैं। लेकिन बेसमेंट में क्या था, बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी जिसकी परमिशन नहीं थी। फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी तो उसमें ये बोला कि आप स्टोरेज बना सकते हैं, वॉशरूम बना सकते हैं, पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी चल रही थी, और इतनी बड़ी लाइब्रेरी कि एक समय पे 200 बच्चे वहां पर पढ़ सकते हैं। कल जब वाकया हुआ, पानी भरना शुरू हुआ, और ये भी बता दें कि मेरे पीछे आप ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट देख रहे हैं इसमें एक बेसमेंट नहीं है बल्कि 2 बेसमेंट है, B1 और B2, और लाइब्रेरी जो चल रही थी वो B2 में चल रही थी, यानी कि बेसमेंट से भी और दूसरा जो नीचे बेसमेंट था उसमें। अब प्रशासन क्या कर रहा है आप ये देखिए, MCD की गाड़ियां यहां पर पहुंची है। सुबह इस पूरी रोड जो कि कल जलाशय में तब्दील हो गई थी, उन सभी रोडों के सीवर को साफ किया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कल तक जो काम किए जाने थे वो हादसे के बाद क्यों किए गए, और उसी को देखते हुए अब आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि दूसरी तरफ छात्रों का गुस्सा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये सभी छात्र करोलबाग मेट्रो स्टेशन के नीचे प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने छात्रों को वहां से हटाया। अब ये सभी छात्र जो है वो पहुंचे हैं यहां पर इंस्टीट्यूट के ठीक बाहर बैरिकेड के एक दूसरे हिस्से में, आपको प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके हाथ में पोस्टर बैनर जब आप देख रहे हैं तो उनका साफ लिखा है कि उनको जस्टिस चाहिए, और कुछ पोस्टर बैनर में आपको बैरिकेड पर लगे हुए भी दिखाऊंगा, आप ही देखेंगे इसमें क्या लिखा है, द ड्रीम डाइड, यानी कि सपने मर रहे हैं, कोचिंग माफिया, ब्रोकर माफिया, डाउन डाउन के जो पोस्टर्स हैं वो इस बैरिकेड पर ये सभी लोग लगा रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार माफिया ये किसको बोल रहा है, माफिया बोल रहे हैं निगम को, MCD को, क्योंकि MCD ने जो काम करना चाहिए था बारिश के समय, ड्रेनेज सिस्टम क्लीन करना चाहिए था, वो क्लीन नहीं किया। माफिया ये बोल रहे हैं उन ब्रोकर को जो कि पैसे ले लेते हैं और उसके बाद जो फैसिलिटीज दी जानी चाहिए स्टूडेंट्स को वो नहीं दी जा रही है। आपको मैं बता दूं, आप जतिन बता रहे हैं कि कई तरह के सवाल हैं छात्रों के मन में, और होना लाजमी भी है क्योंकि यहां वो पढ़ाई करने आए थे, सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते थे, उसे दुरुस्त करना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कर पाते इससे पहले ये घटना हो गई। प्रगति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रगति, बहुत सारे छात्र आपके साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे पूछिए, उनके अंदर नाराजगी है। जानकारी ये भी मिल रही है कि पहले से शिकायत की जा रही थी उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल सलोनी, नाराजगी है और थोड़ी नहीं बहुत आक्रोश है जो देखने को मिल रहा है। वो आप जतिन की जो तस्वीरें देख रही थी वो राजेंद्र नगर के राव IAS एकेडमी के बाहर की थी, और ये तस्वीरें जरा मैं दिखाना चाहूंगी, ये महापौर के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और गुस्सा साफ तौर पर इनका दिखाई दे रहा है, हाथों में पोस्टर लिए दिखाई दे रहे हैं। VVP के छात्र बताए जा रहे हैं, MCD प्रशासन की लापरवाही बताई जा रही है, और लगातार नारे भी यहां पर ये लोग लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, और अगर एक्शन लिया जा रहा है तो उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए, CCTV फुटेज कहाँ पर है, कौन जिम्मेदार है, हमसे आके बात करिए। बात करने की भी यहाँ पर कोशिश कर लेते हैं, आप बताइएगा यहाँ पर सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे? देखिए, निश्चित हमारी ये मांगे हैं कि जो सबसे पहले तो ना केवल परिवारों का परंतु देश का लॉस हुआ है, देश का जो उज्ज्वल भविष्य गया है, उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। कंपनसेशन जो है कभी भी उस भरपाई को नहीं कर सकता, परंतु फिर भी उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। हमने पिछले साल जब मुखर्जी नगर के कोचिंग संस्थान में आग लगी थी और 2nd-3rd फ्लोर से खिड़कियों से कूदकर विद्यार्थियों ने अपनी जान दी थी, तब हमने मांग करी थी केजरीवाल सरकार से प्रचंड प्रदर्शन करके कि जितनी भी ऐसी अवैध कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रही हैं जिसमें पूरे कोचिंग माफिया, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट MCD, भ्रष्ट दिल्ली सरकार इन्वॉल्व है, उन सभी पर ताला जड़ना चाहिए, गवर्निंग बॉडी बनानी चाहिए जो सुरक्षा मानक जितने भी हैं उनका पालन करने वाले कोचिंग संस्थानों को ही केवल चलने दें। परंतु 1 साल हो गया उस बात को, उसके बाद हमने देखा कल किस तरीके से भयावह दुर्घटना हुई, इसको हादसा बताया जा रहा है परंतु ये सुनियोजित ढंग से की गई
हत्याएं हैं, जिस हत्या में भ्रष्ट सरकार, खूनी एमसीडी, सभी लोग संलिप्त हैं। बिल्कुल सलोनी, देखिए ये बात रिपीटेडली जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो सामने आ रही थी कि हादसा नहीं, ये हत्या है। और ये रिपीटेडली शिकायत के बाद सामने आई है। आपको सुनवा देते हैं कि यहाँ पर जो नारे लगाए जा रहे हैं वो क्या है, बातचीत क्या हो रही है, आप जरा बताइएगा, प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं। जी, आप देख रहे होंगे कि मुखर्जी नगर में जो हत्या की गई है वो सिर्फ और सिर्फ एक हत्या ही नहीं, वो एमसीडी द्वारा एक हत्या की गई है। आप देखेंगे कि किस तरीके से 3 स्टूडेंट्स पानी में डूब के मरे हैं, और ये पहली घटना नहीं है, ऐसे 3 दिन पहले भी एक घटना हुई है जो एमसीडी द्वारा जो नेग्लिजेंस की गई है। विद्यार्थी यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में पूरे भारत से पढ़ने आते हैं, पर फिर भी एमसीडी ये नहीं देख रही है कि कब वाटर लॉगिंग ओल्ड राजेंद्र नगर में हो रही है, किस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं, क्या उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं अडैप्ट, और कैसे वाटर लॉगिंग हो रही है जिसकी वजह से हत्याएं बढ़ती जा रही है, पर फिर भी उनके कानों में जू नहीं रही। ठीक है प्रगति, नाराजगी है और भीषण नाराजगी, और होनी भी चाहिए क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है, जहां हक की आवाज उठानी हो। आप हमारे साथ बने रहेगा, जतिन भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन 3-way एक्शन की अब बात कही जा रही है। कैसे 3-way एक्शन हो रहा है, क्या कहा है सरकार और पुलिस ने, चलिए वो जानकारी जल्दी से आपके हम सामने रख देते हैं। आपको बता देते हैं कि किस तरह से एक्शन की बात है। सबसे पहले देखिए दिल्ली पुलिस ने क्या किया है। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है, मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया है। दूसरा एक्शन लिया है दिल्ली सरकार ने, जहां मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तीसरा एक्शन दिल्ली की मेयर एमसीडी की तरफ से बेसमेंट में कोचिंग चलने वालों पर एक्शन होगा, यह कहा गया। 3-way एक्शन की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि बार बार एक्शन होता है और फिर ध्वस्त पड़ जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, और फिर से घटनाएं सामने आ जाती हैं। पुलिस अधिकारी का क्या कहना है, डीसीपी सेंट्रल हर्षवर्धन ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, पहले आपको सुनवा देते हैं। बेसमेंट से टोटल 3 बॉडी मिले, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को हमने सूचना दे दिया है। इसके अलावा हमने FIR भी इसमें रजिस्टर कर लिया है। ये FIR राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है, अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 एंड 35 BNS। अभी हमने 2 लोगों को इसमें डिटेन किया है जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाते हैं, जरा सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए, ये वो गुस्सा है जो छात्रों के अंदर कौंध रहा है, फूट रहा है। देखिए छात्रों ने अब मोर्चा खोल दिया है विरोध प्रदर्शन करने के लिए, छात्र सड़क पर बैठ गए, तस्वीरें ये सामने आ रही है, और लगातार वो पूछ रहे हैं कि आखिर कार्रवाई तरीके से क्यों नहीं की जा रही है, क्यों कोई जवाबदेही अब तक नहीं हुई है। इतनी बड़ी घटना घट जाती है राजधानी में, और सोचिए राजधानी में ये हो रहा है तो क्या व्यवस्था है, ये सवाल पूछ रहे हैं छात्र। मोर्चा खोला हुआ है, छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम जो छात्र हैं, जो तैयारी करते हैं, जो सपना देखते हैं ऑफिसर बनने का, दिल्ली आते हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं। सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर की हम बात ना करें, मुखर्जी नगर की बात कर ले, करोल बाग की बात कर ले, पटेल नगर की बात कर ले, लक्ष्मी नगर की बात कर ले, तमाम देश के अलग अलग कोनों से छात्र पहुंचते हैं, और छात्रों में यह गुस्सा इसीलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि इस तरह की घटना के बाद जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं, अभी तक जवाब का इंतजार कर रहे हैं छात्र। हमारे सहयोगी ने बातचीत करने की भी कोशिश की छात्रों से, समझने की कोशिश की कि खामियां कहां कहां हैं। जतिन की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जो गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रही है और उसी को लेकर स्टूडेंट्स के बीच में रोष है। और जो मेन पॉइंट है, अभी एक स्क्रीनशॉट चल रहा है जिसमें कंप्लेन नंबर भी और कंप्लेन भी है, वो कंप्लेन जो है 15 जून को किया गया था, ठीक है, उसके बाद 15 जुलाई को और 22 जुलाई को रिमाइंडर दिया गया, दैट वाज अ स्पेसिफिक कंप्लेन रिगार्डिंग राव आईएस बेसमेंट, ठीक है, उस पर कोई काम नहीं किया एमसीडी। ये समस्या कोई नई समस्या नहीं है, ये साल दर साल ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है। पिछली बार भी ठीक इसी तरह ओल्ड राजेंद्र नगर में पानी जमा हुआ था, पिछले साल भी किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया। बताइए जी, ओल्ड राजेंद्र नगर में बच्चे 15,000 से लेकर 50,000 तक रुपए भर रहे हैं, सिर्फ रेंट दे रहे हैं, उस गली का ये हाल है तो पूरे दिल्ली का क्या हाल होगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी नहीं लेगी या के एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेगी तो लेगी कौन। हम हमेशा स्टूडेंट्स इग्नोर किए जाते, आज नहीं होंगे, आज किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। लड़के मरे कट के मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर किसी सिस्टम की लापरवाही की वजह से कोई नहीं मरना चाहिए। कौन अकाउंटेबल था, परसों पटेल नगर में एक लड़का मरा, 4 दिन हो गए, क्या मसला हुआ उसमें, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमारे को आके यहाँ पे बोलते कि जस्टिस ऐसे नहीं मिलता, तो कैसे मिलता है जस्टिस। ये पूरी जिम्मेदारी डायरेक्टर ऑफ राव आईएएस ने लेनी चाहिए, अभी राव आईएएस के डायरेक्टर यहाँ पे आने चाहिए,
जितने भी डेड हुए हैं उनकी जिम्मेदारी प्लस उनकी फैमिलीज को कंपनसेशन मिलना चाहिए। सबसे बड़ी इसका जो जिम्मेदार है एमसीडी है। एमसीडी में यहाँ पे मतलब दिल्ली गवर्नमेंट है और एमसीडी का काम है कि मतलब जो भी सीवेज सिस्टम है या जो भी करना है ठीक करना, ठीक है। और दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट जब घर बनाया, जो अपना मकान बनाया जहाँ कोचिंग चल रही है, तो वहाँ पे वो बेसमेंट अंदर बना दिया और सीवेज नाला बह रहा है। चार दिन पहले नीलेश भाई जो इसको मेंस खतना था मरा, तब भी न शासन ने कोचिंग माफिया नहीं समझे इस बात को। आर्टिकल 51 की पढ़ाते हैं, बात करते हैं ड्यूटीज की। सिर्फ मेरा ही ड्यूटीज है कि हम घर से माँ के गहने बेचकर, पापा के खेत बेचकर यहाँ पढ़ने के लिए इनको पैसे मोटा रकम दें और ये सुरक्षा के नाम पर कुछ न दें और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाएं। और तो और आपको पता होगा कि ये लोग मुखर्जी नगर में भी जिस तरह घटना हुई, 5 मंजिले से लोग कूद रहे थे, आए दिन ऐसे घटनाएं घट रही है। इतना सेंसेटिव चीजें कहीं एनओसी नहीं मिला है, फिर भी ये लगातार चला रहे हैं, तो इनका नेक्सस है, ये इनका बड़े लोग बहुत बड़े लेवल का इनका नेक्सस है। ये 4 दिन के बाद फिर कोचिंग चलाएंगे और 4 दिन के बाद फिर ऐसे रील बनाएंगे कि कुछ नहीं मिलेगा, तो तजुर्बा मिलेगा। अरे तजुर्बा नहीं, तुम मौत दे रहे हो, मर्डर किए हो, ये मर्डर है।